और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्रशासन को फटकार लगाई और डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दिया। उनके रिहा होने के बाद जो तस्वीरें देश भर में सामने आ रही है वो यकीनन लोगों को खुशी का माहौल देने में है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जैसे ही फैसला सुनाया गया कि समर्थक उनके चाहने वाले वहां मौजूद थे और उन्होंने पूरे हर्षोल्लास से इस फैसले का स्वागत किया। इसके साथ साथ देश भर में तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। डॉक्टर कफील खान को लेकर कोर्ट में आज बड़ा फैसला हुआ है। यकीनन योगी सरकार को बड़ा झटका भी लगा है। जो लोग लगातार नफरत फैला रहे थे उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। डॉक्टर कफील खान को कथित रूप से सीए के विरोध के बीच 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के लिए मुंबई से उनको गिरफ्तार किया गया था। खंडपीठ ने एनएएस के तहत डॉक्टर खान के खिलाफ कार्रवाई में मूल रिकॉर्ड पर गौर करने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित ही रखा था। ऐसा ही एक वीडियो हमने कुछ दिन पहले आप तक पहुंचाया था और आज हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से बेहद खुश हैं। जिस समय उनको गिरफ्तार किया गया उस समय पूरे देश की बिकी हुई मीडिया जिस तरह से डॉक्टर कफील खान को बदनाम कर रही थी, क्या आज उनको डॉक्टर कफील खान से माफी नहीं मांगनी चाहिए? और डॉक्टर कफील खान ही क्यों, कोरेगांव भीमा से जुड़े लोग हो या जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किए गए लोग जो किसी बेगुनाह से कम नहीं, उनको हमारी अदालतों ने रिहा करना चाहिए ताकि देश की जनता का भरोसा न्यायपालिका पर बना रहे और ऐसी भ्रष्ट सरकारें जो बेगुनाहगार लोगों को गिरफ्तार करके इतने समय तक जेल में बंद रखे, क्योंकि जो बेकसूर भी है उनकी गिरफ्तारी होती है और जेल में बंद किया जाता है, उनके परिवार और साथ देने वाले लोगों पर कैसी कैसी परेशानी आती है, उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी सोचा है आपने? अभी वक्त है कि लोग गलत बात के लिए अपनी आवाज बुलंद करें और बेकसूर लोगों को अपनी बात कहने का मौका दे, उनको आजादी दे। आज डॉक्टर कफील खान बेगुनाह होकर जेल से बाहर निकले हैं। अपने सभी समर्थकों को उन्होंने धन्यवाद कहा है और लाइव आकर अपनी आपबीती भी बताई है। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।